आम सभी दर्शकों, आइए पांचवा प्राणायाम, पांचवी क्रिया, नौ प्राणायाम का पैकेज मैं दे रहा हूं, पांचवी क्रिया करने जा रहे हैं हम आप अग्निसार, जो कब्ज के लिए है, गैस के लिए है, पेट न साफ होता हो उसके लिए है, प्रातः काल उठते ही एक बार में मल हमारा बाहर हो जाए, दोनों हाथों में धार रहे, पेट अंदर करने की सबसे सरल क्रिया, पेट को मुलायम रखने की सबसे सरल क्रिया, भूख लगे अग्नि प्रज्वलित हो, इसीलिए इसका नाम ऋषियों ने रखा है अग्नि सार। पेट के एक अंग का नाम है अग्नाशय, उसको स्वस्थ करते आइए अभ्यास करते हैं। छोटी सी क्रिया है अग्निसार, कैसे, पेट सीधा है, सुखासन में बैठे हैं, पेट खाली है, प्रातःकाल है, ईश्वरी वेला है, गहरी सांस लें, सांस निकालें, अब पेट को हिलाइए, एक सांस में जितनी बार पेट आप झकझोर सके झकझोरिए, तोड़िए कब्ज को, दोनों हाथों में धार पैदा करिए, बढ़िया भूख लगे, भोजन पचे, रस तत्व बने, समय से मलमूत्र का विसर्जन हो जाए, छोड़ दे, जितनी देर सांस रुकी रहेगी उतना देर क्रिया आपकी होगी, ऐसा नहीं करेंगे कि सांस भी लेते देते रहे पेट भी हिलाते रहे, ठीक है। आइए दोबारा करते हैं, गहरी सांस लें, सांस निकालें, पेट को हिलावे, झकझोर दीजिए पेट को, तोड़िए कब्ज को, पेट अंदर रह गए, बढ़िया भूख लगे बंधु, जिसको प्रेशर कुकर 5 सीटी देके पचा नहीं पाता यह शरीर उसे पचा लेता है, इतनी दिव्य क्षमता परमात्मा ने प्रकृति ने हमें दिया है, वह अग्नि मंद न पड़ने पावे, बिगड़ने न पावे, जहर भी मिले तो पचाने की मदता हो, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, 20 भी निकला था उसी में, महायोगेश्वर को दिया गया, हनुमान जी को, भगवान शंकर को, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, उसको भी पी के पचा गए, यह योगियों की शक्ति है, उसे आप समझे जाने, एक बार आओ कर ले अग्निसार, गहरी सांस ले, सांस निकाले, पेट को हिलावे, झकझोर दीजिए, यह प्रातः काल उठते पेट साफ रखेगा, बढ़िया भूख लगेगा, जो भी खाएंगे पचेगा, रस तत्व बनेगा, शरीर अनुपात में आएगा, जब जब जांच कराएंगे सारी चीजें सामान्य निकलेगा, चहक उठेंगे, मस्त रहेंगे बंधु, यह था अग्नि सार क्रिया। फिर याद दिला रहा हूं, कितना प्राणायाम बताया हमने आपको, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका, चौथा किया त्रिबंध, पांचवा अभी आपने किया अग्निसार, छठा प्राणायाम आप करेंगे कार्डियो के लिए, उज्जयी प्राणायाम, सबसे छोटा प्राणायाम है संसार का, 15 सेकेंड, उसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, मस्त रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया के लिए आप प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, सबको प्रणाम, मिलेंगे उज्जयी प्राणायाम के लिए अगले वीडियो में, तब तक सबको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद।